MCQ question 2020 NEET JEE और RPSC में के वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए या क्रैक करने के लिए आपके अंदर डेटा फीडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो वो समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि उसके अंदर डेटा फीडिंग नहीं है। अब डेटा फीडिंग क्या होती है कि जो कंसेप्ट है वो आपको याद होने चाहिए, मतलब पहले से। अब दिमाग पेपर के टाइम उन कंसेप्ट्स को आपस में जोड़कर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो हम देखते हैं डेटा फीडिंग क्या होता है। हमने इस प्रॉब्लम में देखा कि वो कहता है इस एल्कीन की रिएक्शन NaIO4 और KMnO4 से कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा। इसको देखते ही हमारे दिमाग में अगर ये कंसेप्ट नहीं आया कि ये ल्यूमैक्स रिजेंट है, हिंदी में इसे लंब अभिकर्मक कहते हैं, और ये ऑक्सीडेशन करता है, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते और हम तुक्का मारेंगे। अब एक कंसेप्चुअल मेथड होता है और दूसरा कोई ट्रिक होती है। तो पहले मैं ट्रिक से कराता हूं, फिर कंसेप्चुअली आपको सॉल्व कराता हूं। तो मैंने ऑक्सीडेशन वाले वीडियो में आपको बताया था कि KMnO4 से ऑक्सीडेशन के रूल क्या है। अगर डबल बॉन्ड कार्बन पर एक एच है तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से टूट जाएगा, और इस पर एक एच है तो ये एसिड में बन जाएगा। हमने देखा एक ही में एसिड है, ठीक है ना, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा कंसेप्ट वहाँ बताया था कि अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं हो तो कीटोन बन जाएगी, तो हमारे दोनों प्रोडक्ट कन्फर्म हो गए, इसका आंसर हो गया सेकेंड। अब यही बात हम लॉन्ग कट से भी जाकर देख सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्ग कट में हमने देखा हमारे पास ये एल्कीन है, ये ल्यूमैक्स रिजेंट है, और ल्यूमैक्स रिजेंट दो रिजेंट का मिक्सचर है, पहला एल्कलाइन KMnO4 और दूसरा NaIO4। तो KMnO4 बच्चों क्या करता है, एल्कलाइन KMnO4 का काम होता है एल्कीन को ग्लाइऑक्सल में कन्वर्ट करना। एल्कलाइन KMnO4 का काम आपको बताया था क्या करता है, ये करता है, ठीक है ना, एल्कीन को डायोल में कन्वर्ट करता है। तो हमने क्या किया, इस एल्कीन को डायोल में कन्वर्ट किया। तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर एक OH लगा दिया और एक OH यहां लगा दिया, ये इसका प्रोडक्ट बन गया। ओके, अब ये क्या करेगा, कौन सा HIO4, HIO4 मैंने पर आयोडिक एसिड वाले उसमें आपको पढ़ाया था कि ये क्या करता है, ठीक है ना, ये करता है, रूल में आपको बताता हूं, ये करता है अगर ग्लाइकॉल को ऑक्सीडाइज, और प्लस अब देखते हैं ये ग्लाइकॉल बॉन्ड है, अब ये कौन सा ग्लाइकॉल है, ये है सेकेंडरी, ठीक है ना, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये यहां से ब्रेक हो जाएगा और इससे बनेगा एसिटाइल्डिहाइड, इससे क्या बनेगा एसिटाइल्डिहाइड, और इससे क्या बन जाएगी, क्योंकि ये टर्शियरी अल्कोहल है तो इससे बन जाएगी एक कीटोन। तो मैं आपका प्रोडक्ट बनाकर दिखाता हूं, तो ये कंपाउंड बीच में से ब्रेक हो जाएगा, और बीच में ब्रेक होने से ये कंपाउंड बन जाएगा एक तो एल्डिहाइड में और दूसरा कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। ओके, और यहां पे हमारा बन जाएगा क्या एल्डिहाइड। अब क्योंकि KMnO4 प्रेजेंट है तो KMnO4 इस एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, पर ये लॉन्ग कट है, बच्चे को इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो जो मैंने शॉर्टकट बताया था कि ये NaIO4 और KMnO4 एसिडिक KMnO4 की तरह काम करेगा, इस वाले कार्बन को एसिड में और इस वाले कार्बन को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के, हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉब्लम कि जब हम बेंजीन की रिएक्शन आइसोब्यूटीन से कराएंगे और किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या रिएक्शन होगी। अब बच्चों आपको पता होनी चाहिए बेंजीन पर हमेशा पॉजिटिव पार्ट अटैक करता, ठीक है ना, पॉजिटिव पार्ट अटैक करता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का काम है इलेक्ट्रोफाइल बनाना, ठीक है ना। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि क्या बने, ठीक है ना। तो हमने देखा ये आइसोब्यूटीन थी, और आइसोब्यूटीन में हमने नेसेसरी ग्रुप इसमें लगा लिए, ठीक है ना।
तो जब हमने ग्रुप लगाए तो आप देख सकते हैं ये CH3 हो गया और ये भी CH3 हो गया और ये CH2 हो गया और ये। अब जब हम इसका H+ से अटैक करेंगे तो सब जानते हैं जब ये H+ जाएगा तो हाइड्रोजन उस पर जाकर अटैच होता है जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं, तो सबसे कम हाइड्रोजन इसके पास है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और डबल बॉन्ड के ब्रेक होने से ये CH3 बन जाएगा और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा कार्बो इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जाकर इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। जब ये यहां से अटैच हो जाएगा तो हमें मिल जाएगी टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। क्या मिलेगी, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन किसमें बना हुआ है, हमारी सेकेंड चॉइस में। तो आंसर हो गया टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हमने 19 को देखा और ये हमारे पास प्रोडक्ट था और हमें इसका सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कराना था। जब हम इसका सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, ये मैंने सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन के उसमें आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा ये सोडा लाइम, इस एसिड ग्रुप को हटा देगा और ये H बन जाएगा, तो और Cl यहीं पर लगा रह जाएगा। लेकिन जब हम इसको हीट करेंगे NaOH की प्रेजेंस में तो इसका एलिमिनेशन भी हो जाएगा और हमको प्रोपीन मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा, लेकिन बच्चे इसको टिक कर देंगे क्योंकि वो सिर्फ सोडा लाइम ही देखेंगे, हीटिंग नहीं देखेंगे। तो पहले हीटिंग से एल्काइल हैलाइड बनेगा और फिर एल्काइल हैलाइड के एलिमिनेशन से हमको प्रोपीन मिलेगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 हमारे सामने है। हमने देखा कि जब हमने इसकी रिएक्शन HBr से कराई तो रिएक्शन कहाँ होगी। अब पहली बात तो बच्चों, ये प्रॉब्लम रिएक्शन रिंग में होगी या रिंग के बाहर, क्योंकि HBr के साथ में कोई भी लुईस एसिड नहीं है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा और Br या H में से कोई भी डायरेक्ट रिंग पर जाकर नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। अब हमने क्या देखा कि ये HBr इस पर जाकर जुड़े, यहाँ मार्कोनिकोफ का रूल भी नहीं लगेगा क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन बराबर है। अब ध्यान से देखना, ये OH क्योंकि डोनर ग्रुप होता है तो जब ये डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो Br जाकर इधर जुड़ जाएगा। या बच्चों हमेशा याद रखो, जब भी ऐसा कंपाउंड रिएक्ट करेगा हैलोजन जाकर बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन से जुड़ता है, तो प्रोडक्ट ये नहीं, इसका प्रोडक्ट सेकेंड। हम चलते हैं नेक्स्ट 21। ये बेंजीन है और बेंजीन की रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म से कराई, क्लोरोफॉर्म ने मिथाइल क्लोराइड और ELCl3। इसको देखते ही हमको पता लगा कि ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है और फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है तो बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लग जाएगा और जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लग जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा टोलुइन। फिर हमने इसके नीचे दूसरा रिजेंट देखा जो क्रोमाइल क्लोराइड है। क्रोमाइल क्लोराइड देखते ही आपको रिकॉल होना चाहिए कि ये इटार्ड ऑक्सीडेशन है और इटार्ड ऑक्सीडेशन में टोलोइन से एल्डिहाइड बन जाता है, बेंजल्डिहाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बच्चों, फर्स्ट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। हमने 22 क्वेश्चन को देखा कि 22 क्वेश्चन में क्या होगा। सबसे पहले हमने देखा कि ये पूछता क्या है, वो पूछता है इस कंपाउंड में कितने कार्बन लीनियरली अरेंज है, कितने लीनियरली अरेंज है। इसकी बिना अकल की बात तो ये है कि ट्रिपल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन से जितने भी ग्रुप अटैच्ड होंगे, ठीक है ना, वो सारे ही लीनियर होते हैं। क्यों, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp होती है और sp हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल
180 होता है, तो इससे ये 180 तभी हो सकता है लीनियर। तो ट्रिपल बॉन्ड से मैक्सिमम चार एटम ही लीनियर हो सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ, नहीं सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ कार्बन हो जाएंगे। कभी कभी ऐसे भी गलती हो जाती। अब हम चलते हैं 23 की तरफ। हमने देखा कि क्लोरीन की रिएक्शन इसके साथ करानी है, और ये आजकल एनसीईआरटी में भी दी हुई है और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो गई। तो अब यहाँ पर एडिशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों अगर हेलोजन लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करे तो sp3 वाले कार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन लगा देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हीट की जगह कोई सॉल्वेंट होता जैसे CCl4 तो फिर एडिशन कराते। तो हमने देखते ही समझ गए क्लोरीन लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देता है, जबकि हेलोजन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर तीन चॉइस में एक भी नहीं है, डेफिनेट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा फोर्थ उसमें लिखा हुआ होगा। तो हम चलते हैं फोर्थ चॉइस को देखने। तो आप देख सकते हैं फोर्थ चॉइस कौन सी हुई, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों मैं आपको फिर से बताता हूं, पहले आप ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस को याद करें और अपने अंदर मैक्सिमम डाटा फीड करने की कोशिश करें। जब आप मैक्सिमम डाटा अपने आप फीड कर लेंगे तो आपका दिमाग अपने आप ही आंसर बताने लगेगा। बच्चे क्या सोचते हैं, याद कुछ है नहीं और फटाफट प्रॉब्लम करना चाहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं। हम लास्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं, HBr किसके साथ फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, किसके साथ फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा। तो जो एल्कीन, जिस एल्कीन में एल्काइल ग्रुप ज्यादा होते हैं, जिस एल्कीन में एल्काइल ग्रुप ज्यादा होते हैं वही एल्कीन ज्यादा स्टेबल भी होती है, ठीक है ना, हाइड्रोजन के अगेंस्ट, और वही सबसे जल्दी रिएक्ट करती है। तो बच्चों 24 का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ।